चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको लेकर चलते हैं बिहार। लालू यादव अपनी सिक्योरिटी घटाए जाने से हो गए हैं परेशान। नरेंद्र मोदी जी का खाल उधरवा लेंगे। आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार पर नरेंद्र मोदी का खाल उधरवा लेंगे हम? आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार जाके बोलिए चलाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू यादव के बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप के इस आपत्तिजनक बयान पर सियासी घमासान हो गया है। मोदी पर हमले की ये धमकी तेज प्रताप ने अपने पिता लालू की सुरक्षा कम होने की खबर के बाद दी है। नरेंद्र मोदी का खाल उधरवा लेंगे हम। प्रधानमंत्री की खाल उधरवा लेंगे हाँ, तो जायज क्यों नहीं है? हमारे पिता का क्या जान नहीं है क्या? उनका जान जान है। अब बिहार के तमाम लोग गैंगरेप हो रहा, हत्या हो रहा, मर्डर हो रहा है, भाजपा के साथ जाके बैठे हुए हैं। उन लोग का जान का कीमत नहीं है क्या? जनता का जान का कीमत नहीं है? तेज प्रताप के इस हमले का जवाब बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दिया। कहा, धमकी देने वालों की अभी कुर्सी गई है, अब विधायिका भी जाएगी। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को देश की जनता सबक सिखाती है। अभी तो गद्दी गई है, आगे विधायकी भी चली जा सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लालू यादव की सुरक्षा कम करने की खबर है। लालू प्रसाद यादव को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, लेकिन अब लालू को सिर्फ जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। लालू की सुरक्षा में तैनात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज भी वापस बुला लिए गए हैं। लालू के अलावा नीतीश से बगावत कर रहे शरद यादव की सुरक्षा घटी है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की भी वीवीआईपी सुरक्षा घटाई गई है। सब जगह से सिक्योरिटी वीडियो कर रहे हैं तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है इस देश में। प्रजातंत्र प्राय समाप्त हो गया है। तानाशाही की तरफ ये देश को लेकर जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप आजकल अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में हैं। इससे पहले तेज प्रताप ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी के बेटे की शादी में तोड़फोड़ करने की धमकी दी थी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।